गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए दिन एक और नए ब्लॉग के साथ। हो चुका है एक खूबसूरत सा दिन फिर से शुरू। और राधे राधे, कैसे हो आप सब? इधर खड़ा है काव्यांश मलिक, इंतजार करता हुआ पापा की गाड़ी का। ये जा रहा है स्कूल और साथ ही दिखाती हूँ दो प्यारी सी एक और दो बच्चियाँ जो शुरू इंतजार कर रही हैं अपनी स्कूल वैन का। ये दो बहनें यहाँ भी खड़ी हैं, शिवांगी और प्रिंसी, ये भी इंतजार कर रही हैं अपनी स्कूल वैन का आने का। यो भाई आगे काव्यांश के दादू। इसकी ज्यादा आती होगी, टमाटर ले आलू ले गोभी ले, टमाटर ले आलू ले गोभी ले, एक ही बत्ती आवाज आती होगी इसके। तो इतनी तेज आवाज आया करे मेरे कमरे तक आया करे, मैंने सोचा करूँ बस भाई चला जागे ना जब मैं सोमती हूँ। इस वजह से इस टाइम मैं दोबारा लेटू ना अड़का सा गया है, नींद आती नहीं क्योंकि वो टमाटर ले आलू रे यार, इधर तो वो गीला कूड़ा कहाँ डालना है पता है ना, और सूखा कूड़ा कहाँ डालना है, नीले डस्टबिन में। आइए यह जरूर बड़बड़ इतने शोर शराबे में मानस सो सके है, गीला कूड़ा कहाँ डालना है सूखा कूड़ा कहाँ डालना है। चलिए भाई फिलहाल तो यार मैंने अपनी मशीन तो दी है भर, थोड़ी देर में मशीन लगा दूंगी और पानी भी लगा दिया वैसे तो गर्म करना, कपड़े वो रखे आज बहुत सारे धोने के लिए, ये देखिए फैले हुए हैं क्योंकि कल था बृहस्पत ने मैं भाई कपड़े नहीं धोया करूँ अके एक दिन का गैप सही, तो आज इसीलिए हो चुके हैं डबल कपड़े दो दिन के। जबरदस्त सर्दियाँ के तो भी आपने बेरा ज़्यादा हो जाए, बस थोड़ी देर में अब मशीन स्टार्ट कर दूँगी। काव्या सो रही है अभी, धोखा शोर मशीन का तो इसीलिए अभी नहीं लगा रही हूँ, थोड़ी देर में लगाऊंगी। चलिए भाई सोने देते हैं काव्या को, मैं भी थोड़ी देर लेट जाती हूँ, काम बाद में करेंगे। देखिए प्यारा सा कबूतर रोज आता है यहाँ पे और ये यहीं पर इसी रेलिंग पे आके बैठता है, बड़ा अच्छा लगा इसकी आवाज़ भी आया करे मैंने। किसी आवाज़ होने लग रही है पता ना, शायद आप ना आवे कि ना बना आवे। बैठी गई थी भाई थोड़ी देर धूप में, तो हो चुका है धूप लेने का टाइम ख़त्म, टाइम हो चुका है अब काम शुरू करने का क्योंकि पहले ही मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ आज काम करने में, 10:30 हो गए। क्या किया मैंने, खाया एक अनार, काव्या तक हवाए उसके अंडे और वो चली गई, फिर इतनी दबाई मचा के देखो कितनी मट्टी वट्टी गंद फैला के भाग गई वो। तो अब चलिए भाई करते हैं अपना काम शुरू, टाइम हो चुका है काम शुरू करने का, तो पहले करती हूँ आटा फिर बाकी का काम देखते हैं। ये भाई मैंने क्या है कि बेर मेरी बेरी के बेर मत तोड़ो जाएगा। मलिक साहब खाएंगे रोटी भाई और मैं खाऊंगी कढ़ी चावल आज, ये मेरी प्यारी सी बहन ने मेरे लिए भेजी थी कढ़ी, एक नंबर की टेस्टी। हाँ जी तो भाई मेरी बहन ने भेज दी थी मेरे लिए कढ़ी, तो मैं खाऊंगी कढ़ी चावल, मलिक साहब खाएंगे रोटी सब्जी। थोड़ा थोड़ा पास में बहनों का होने का ये भी फायदा होता है, कई बार आपको कोई चीज अपने हाथ की पसंद ना हो तो आप वहां से मंगवा सकते हो, और मैं ऐसी फरमाइशें अपनी बहन से करती रहती हूँ और मेरे लिए वो सामान आता भी रहता है। मैं ना कुछ दिन पहले एक वो सुन रही थी, उसे क्या बोलते हैं सत्संग सा, तो उसमें था कि लड़कियों को ज्यादा नजदीक में शादी ना करें, ज्यादा दूर भी ना करें, बहुत सही बात थी उसकी, उनकी बिल्कुल गलत बात नहीं थी, वो सही कह रहे थे, बिल्कुल ठीक कह रहे थे। और साथ ही साथ अपने से चार गुना अमीर को भी ना करें, मतलब अपनी लड़की ना दे, रीजन कि वो आपकी लड़की की फिर वैल्यू नहीं करेगा, और 8वीं पास या 8वीं फेल लड़की की शादी BA MA वाले लड़के को ना करें ना, नहीं तो वो आपकी लड़की को बेवकूफ बेदिमाग समझेगा,
और सिर्फ लड़की के साथ नहीं है, लड़के के साथ भी है। लड़की की भी, अगर लड़का आपको पता है कि भाई ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा, तो उसकी बहू भी इतनी पढ़ी लिखी मत लेके आओ इतनी, जो उसने बेदिमाग कर मेंटल समझने लग गया। तो बड़ी ज्ञान की बात थी, पॉइंट है भाई महाराज जी की बातों में, बिल्कुल पॉइंट है। चलिए फिलहाल आटा कर लेते हैं। लो भाई हो गई हूँ मैं तैयार, कहाँ जाने के लिए, मैं जा रही हूँ कीर्तन में। जिनकी अभी शादी है 8 तारीख की, उनके घर पे आज है कीर्तन। तो मैं और काव्या, काव्या देखो इधर, ये देखो सुंदर सा काव्या मेरा पारा सा चोटी बना के, हाँ देख ली, देख ली सबने देख ली, चोटी वोटी बना के ये हो गया तैयार। ये भी जा रहा है मम्मी के साथ कीर्तन में पूजा करने। रुको चप्पल बना दूं आपको, चलो बना दूं। वापस क्योंकि काव्यांश का आने का टाइम हो गया था, वैसे मन बिल्कुल नहीं था कीर्तन में से आने का, अच्छा हो रहा था लेकिन काव्यांश का टाइम हो गया था आने का, तो इसीलिए आके अब उसके लिए खाना वाना बनाऊंगी, और कपड़े भी भारी पड़े थे। तो चलो मैं काम निपटाती हूँ, अपने कपड़े वपड़े उठा लेती हूँ। काव्यांश आया स्कूल से, काव्यांश मलिक पधार चुके हैं। नीचे उतर, नीचे उतर। लो भी थोड़ी देर सो ली, उठ भी ली, कीर्तन में जाके देखा काव्यांश का खाना पीना। अब जा रही हूँ मैं, मेरी स्किन पे हो गए 1-2 दाने, तो उसकी दवाई लेने के लिए, और साथ ही साथ एक और काम है वो निपटा के आते हैं। चलो तो वही चल पड़ी मैं अपने काम निपटाने, चलिए आप भी। घर वापस अपने कुछ जरूरी काम निपटा के, और अब मैं यहाँ पे भर रही हूँ पानी, आरो में नीचे तक ऊपर लेकर जाना पड़ा है,
और अब करूंगी थोड़ी सी देर अपने फ्रेंड के साथ वार्तालाप। नीचे खड़ी है मेरी एक सहेली तो उसके साथ थोड़ी देर बातें बातें करेंगे। चलिए आपको भी मिलवाते हैं। देखो और वह बैठी तब हम दोनों फ्रेंडे करेंगे थोड़ी चुगली चपाटी ये हमारी सहेली, इसका नाम है मनीषा, ये है हमारी फ्रेंड। तो भाई आ गई थी ऊपर मैं अपनी फ्रेंड के साथ वार्तालाप करके, कुछ बातें कुछ चुगली जहां दो औरतें बैठी हूँ वहां वो क्या सकता है, यही बातें होंगी भाई। तो हम बातचीत करके आगे, पर हम की चुगली ना करें, हम अच्छे से बात की, हंसी मजाक हो, शादी आ रखी है उनके घर में भी, डिस्कशन चल रहा था क्या पहनेगी क्या लेके आई, और उधर ही काव्या ने कर दिया था इतना परेशान मेरे को नीचे कि मुझे फिर ना चाहते हुए भी ऊपर वापस आना पड़ा। और अब देखो यार मेरे ऊपर बैठी है कि ताक है ना कितनी ऊंच छोरी। हाँ भी भरे है खा मैं ऊतू वो बेबी ले लिया इसका काव्य बहुत आज चले है तेरे अभी मम्मी ट्यूशन पे भी इसने मेरे मारा वो डंडा। मैं बहुत मारूंगी तेरे भाई को मारा था तूने और मम्मी देखो इतनी शैतान है मेरे को मारने के लिए मैम को डंडा दे दिया कि अब मारो इससे। वो तो ठीक किया था इसने है ना, नहीं पढ़ाई करेगा तो क्या क्या करूँ फिर भाई, मजबूरी में भी इतना ही पड़ेगा तेरे को। 24 घंटे फिर भी नहीं करता, फिर भी नहीं करता 24 घंटे सिर्फ बेवकूफ बनाता है, खोल के कॉपी बैठा रहता है। अगर यही पढ़ाई तू बिना 24 घंटे कॉपी किताब उठाए 2 घंटे अपना काम खत्म करके एक साइड हो जाए तेरा ही फायदा है, 24 घंटे बैठना ही ना पड़े तेरे को। फिर तेरी गलती है मेरी है ये बैठी हुई है भाई कर रही है ये मस्ती है पोपो खा रही है ये ठीक है पोपो बता रही है ये। लो जी इधर इनकी हो रही है लड़ाई, दोनों बहन भाइयों की चल रही है फाइट लड़ाई, ड्रामा थोड़ा ज्यादा एक्शन के साथ भरपूर, मतलब उंगली वो एक लगा रही है आवाज चार आदमियों की निकल रही है काव्या उसके अंदर से। आज देख का है भाई हम देसी कीर्तन, बहुत बढ़िया कीर्तन कर रखा था, मतलब कोई पार्टी नहीं बुला रखी थी स्पेशल, कोई माइक नहीं थे कुछ नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना जोश था, सारी जो आंटी और दादी और बैठी थी अकि इन्हें माइक की भी जरूरत नहीं पड़ रही थी, इतना जबरदस्त कीर्तन इनने कर रखा था अपने आप ते ही, और बहुत बढ़िया मजा आ रहा था। लेकिन काव्या स्कूल से आने थे इसलिए मेरे को जल्दी आना पड़ गया, बाकी बड़े अच्छे गीत गा रहे थे, खूब बढ़िया ढोलक बज रहा था, और धीरे धीरे ना देखना ये चीज ना लुप्त होती जा रही है, ये हमारे बालक के तई जब ब्याह होंगे ना हमारी औलादा के, जब डीजे नाइटे चलेगी, क्योंकि गीत गात तो हमने आते ही ताकि हमारी जनरेशन ने के आऊंगे हो जाएगा इनमें धीरे धीरे सब कुछ लुप्त। इतने से बढ़िया बढ़िया गीत गाओ ऐसे याद थे उन्हें कटाएकट, मतलब एक अंटी चुप होती दूसरी चालू हो गई थी, वो वाला काम हो रहा था। ये इतना शोर इस औलाद का है मेरी का, बहुत दुखी। अरे एक तो इसने खा ली मम्मी, मतलब जरा सी आंगली भी लगा देना वहां मम्मी मम्मी शुरू हो जाए इसकी। तो चलिए भाई करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड, कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।